अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्टिस्ट। तो आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आ चुकी हूँ और इस बार मैं बना रही हूँ यहाँ पे फ्लोर लैम्प। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है राउंड वाला पीवीसी पाइप और इसमें एक होल कर दिया है। होल करने के लिए आप किसी भी राउंड चीज़ को मतलब अच्छे से आग पे गर्म करिए और एक होल कर लीजिए। अब इसमें वायर इंसर्ट कराना है, तो चलिए इसे जल्दी से इंसर्ट करा लेते हैं। और जब तक मैं ये चीज़ कर रही हूँ, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो भी लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से प्रेस करिएगा। तो चलिए इस तरह से मैंने कर लिया है। ये फ्लोर लैम्प बहुत ही कम बजट में बनाएंगे हम और ये देखने में बहुत ज़्यादा स्क्रम्शियस लगेगी। तो उसके लिए मैंने नीचे के लिए मतलब एक बेस हमें बनाना है, स्टैंड बनाना है ताकि वो टिके रहे लाइट। तो उसके लिए मैंने एक राउंड कोई सा भी आप घर से एक मतलब बोल ले लीजिए और उसमें मैंने फॉइल पेपर लगा दिया है ताकि जो हमारी पेरिस है वो इसमें सेट नहीं हो जाए, वो आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो आप यही चीज़ कर लीजिएगा। ऑयल लगाने से भी कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं निकलती। अब इस तरह से बीच में अपने इसको रखना है, लेकिन उससे पहले ये ऐसे निकल नहीं जाए क्योंकि ये चिकना है ना, तो हम अगर इसे थोड़ा सा उठाएंगे तो हो सकता है ये पाइप निकल जाए। तो एक वायर मैं लगा रही हूँ इस तरह से। ठीक है, आप किसी भी तरह का वायर ले लीजिए मतलब, और उसे इस तरह से लगा के और ऐसे आप इसको रख लीजिए। ठीक है, और रखने के बाद इसमें हमें सेट करना है। वॉल पुट्टी ले सकते हैं, पीओपी ले सकते हैं, वाइट सीमेंट, कोई चीज़ भी आप यहाँ पे मतलब अच्छे से सेट कर सकते हैं। उसको पानी के साथ अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए और इसे डाल के अच्छे से सेट कर दीजिए। तो चलिए इस तरह से डाल के मैंने सेट कर दिया है। अब इसे आपको एक दिन के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ना है। ये ड्राई हो चुका है, तो चलिए अब इसको धीरे धीरे करके निकाल लेते हैं। तो चलिए बहुत ही आराम से, और ये देखिए अच्छे से निकल चुका है। और यही हमारा यहाँ पे जो बोल था वो भी ख़राब नहीं हुआ, तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। बस कुछ भी एक चीज़ आप अंदर की तरफ डाल दीजिए ताकि वो आसानी से निकल जाए। हल्का सा इसको स्मूथ करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि मैंने रखा ही इसलिए था ताकि इसमें बहुत अच्छा सा एक टेक्स्चर बनेगा फॉइल पेपर से। अब इसको ना बेस में एक कोट में सड़ा वाला बिल्कुल मेरे पास एक पेंट पड़ा है, उसको कर दिया है वाइट से ताकि जो हमारा गोल्डन स्प्रे पेंट है वो बहुत ज़्यादा अब्सॉर्ब ना करे पुट्टी। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। पाइप में करने की कोई ज़रूरत नहीं है बस, लेकिन नीचे वाले बेस पे अच्छे से आपको कर लेना है वाइट एक कोट ताकि आपका जो स्प्रे पेंट है वो ज़्यादा अब्सॉर्ब ना करे। तो इस तरह से पूरे को कम्प्लीटली स्टैंड को मैं गोल्डन पेंट कर रही हूँ और मैं इतना ज़्यादा ये पेंट यूज़ कर रही हूँ कि अब ये ख़त्म ही हो चुका है। तो अब चलिए इसमें अच्छे से ऊपर में लगा लेते हैं होल्डर, जो बल्ब का होल्डर होता है। तो इस तरह से मैंने लगा दिया है इसमें होल्डर। ठीक है, और इसको अच्छे से हम ग्लू गन से अच्छे से इस जो पीवीसी पाइप है उसमें होल्डर को स्टिक कर देंगे ताकि वो हिले डुले नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा स्टैंड रेडी हो गया। अब चलिए लैम्प शेड बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने वायर को इस तरह से राउंड राउंड कर लिया है। तो चलिए इसी नाप का एक और वायर लेते हैं और दो हमें सेम बनाना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। तो ऐसे आपको राउंड राउंड करना है और दो तीन बार इसको राउंड करके अच्छे से मजबूत बनाना है। ठीक है, एक बार नहीं लेना है आपको वायर को। आप यहाँ पे जो हुप आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का एक पीस कट किया है जो आपके होल्डर में अच्छे से फिक्स हो जाए और ऊपर में बल्ब लग जाए इस तरह से। और यहाँ पे तीन मैंने स्क्यूवर्स लिए हैं। ठीक है, और मोल्डेड क्ले का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, मोल्डेड क्ले को अच्छे से सॉफ्ट डो बनाना है और इसको हेवी और स्टडी बनाने के लिए यहाँ पर मैं इसको ग्लू की हेल्प से इस पर लगा दूँगी। ठीक है, तो इस तरह से ये भी लग गया। अब चलिए इसमें हमें ज्वाइन करना है अपने स्क्यूवर्स को इस तरह से। तो इस तरह से आप इसमें तीन स्क्यूवर्स डाल दीजिए और साइड को हम अटैच करेंगे अच्छे से मोल्डेड क्ले से। ठीक है, अब इसको इसके नाप से कट कर लेना है। जितने पे हमारा सर्कल है उतने पे तीनों को अच्छे से कट कर लीजिए मार्क करके। तो चलिए इन तीनों को काट दिया मैंने। अब छोटे छोटे बॉल्स मोल्डेड क्ले के बना के और इस तरह से लगा के आपको तीनों को अटैच कर लेना है। थोड़ा सा मैंने ड्राई होने के लिए उसे छोड़ दिया। मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया है, आप कोई सा भी फैब्रिक ले लीजिए। और यहाँ पर मैंने लिया है जो बकरम आता है जो सिलाई के लिए यूज़ होता है, कैनवस के लिए भी यूज़ होता है, उसको साइड्स में मैंने कट कर लिया है। अब इससे अच्छे से स्टिक करना है ग्लू गन से। तो चलिए इसे भी अच्छे से स्टिक कर लेते हैं ग्लू गन से। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप यहाँ पे पेस्टिंग वाला बकरम लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ तो आपको ग्लू नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट उससे आयरन से पेस्ट कर सकते हैं। वो मुझे मिला नहीं तो मैंने यही वाला यूज़ कर लिया है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप पेस्टिंग वाला बकरम मंगवाइए जो कि आसानी से आयरन से पेस्ट हो जाता है। तो फिर आपको ये ग्लू वाला प्रोसेस स्किप करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं दोनों साइड को अच्छे से स्टिक कर ले रही हूँ और उसके बाद इसको भी फोल्ड करके अच्छे से इवन मतलब अच्छा दिखे थोड़ा, तो इस तरह से कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे मैंने दो बार इसमें ग्लू लगा दिया है और ये देखिए मेरा जो लैम्प शेड का क्लॉथ है वो बिल्कुल रेडी है। अब जो हम लोगों ने इस तरह के दो रिंग बनाया था ना उसको लगाना है। ठीक है, तो पहले ऐसे आपको ग्लू लगा लेना है, ग्लू गन मतलब ग्लू गन का
यहाँ पे यूज़ करना है आपको। फिर दोनों साइड पे अच्छे से ग्लू लगाना है और इस तरह से दोनों राउंड वाले सर्कल को रखना है, ठीक है। रखने के बाद इस पे पूरे पे कवर कर देंगे और हमारा लैम्प शेड बन के रेडी हो जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपको ग्लू लगाते जाना है और इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है, ठीक है। तो चलिए पूरे पे कर लेते हैं इसी तरह से फोल्ड। और दोनों वायर को, जो मैंने राउंड वाला वायर था उसको भी हल्का सा स्प्रे पेंट कर दिया था, ये दिखेगा नहीं लेकिन फिर भी नीचे से जब कोई देखेगा तो ये दिखेगा, तो इसलिए ख़राब ना दिखे इससे मैंने कर दिया था, ये ऑप्शनल है। अब साइड वाले मतलब ये जो बकरम होता है, ये पता नहीं इसे और क्या बोलते हैं, इसको हटा देना है और अच्छे से यहाँ पर भी इसको फोल्ड करके हम अपने क्लोथ को लगा देंगे। और थोड़ा सा खींच के लगाइएगा ताकि सिलवट नहीं बने क्लोथ में। और इस तरह से मैंने कर लिया है। अब चलिए इसको भी स्टिक कर देंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से ग्लू लगाएंगे दोनों साइड पे और पीछे वाले साइड पे हम ये लैम्प शेड को रखेंगे जहाँ पे जॉइंट पड़ रहा है। तो इस तरह से हमारा लैम्प शेड बनके कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अभी इसको भी अच्छे से फिक्स कर लेते हैं और ये रेडी हो गया। तो चलिए अब इसको लगा लेते हैं इस पर और इसमें ऐसे ऐसे राउंड वाला सर्कल होल्डर में चला जाएगा और ये रहा इसका फाइनल रिजल्ट। और यहाँ पे मैंने साइड पे ऊपर नीचे दो साइड पे लेस लगा दिया है वाइट कलर की। अगर आपको मन हो तो आप भी बिल्कुल लगाइए और ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर से प्रेस करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं चलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।